नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गुजरात की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाला सातवां आरोपी भी गिरफ्तार, रामगंज थाना पुलिस को थी तलाश। कुछ महीने पहले अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 से 3 युवक फरार चल रहे थे, जिसमें से एक युवक को कल रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरे युवक पिंटू नामक आरोपी को भी रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक वरुण नामक युवक का भी नाम इस मामले में बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। 131 नंबर मुकदमा है रामगंज थाने का, जो मुकदमा 11 अप्रैल को दर्ज हुआ था। उसमें काफ़ी लोग रेप का मामला है, जिसमें हमने 6 व्यक्ति राउंड अप कर लिए थे और गहनता से अनुसंधान के बाद और पूछताछ के बाद एक और व्यक्ति का नाम सामने आया, पिंटू नाथ का, जो पुष्कर का निवासी है। तो कल शाम को हमने उसको भी पूछताछ करके राउंड अप लिया है, उसको अरेस्ट किया इस मामले में, जिसका मेजर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो पहले क्या पहले हमने 6 आरोपी पकड़ लिए हैं और ये 7वां आरोपी है जो इसमें पकड़ा है। एक वरुण का नाम और सामने आया है जो अभी फरार चल रहा है, जिसे अभी दस्तयाब नहीं किया गया। पूरी कोशिश की जा रही है, जैसे स्पेशल टीम गठित करके हमने लोगों को पकड़ा है, इसके लिए भी टीम लगा रखी है। ये भी जल्द पकड़ में आ जाएगा, जिससे पूछताछ के बाद और बातें सामने आ जाएगी। महावीर इंटरनेशनल ने अपने स्थापना सप्ताह में पुलिस लाइन में किए 10 पंखे वितरित। कल स्थापना सप्ताह का होगा समापन। पुलिस सप्ताह के सामाजिक कार्य करने वाली महावीर इंटरनेशनल अपना स्थापना सप्ताह मना रही है, जिसमें संस्था द्वारा पूरे हफ्ते सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान, सैनिटरी पैड वितरित, बेबी किट वितरित और आज पुलिस लाइन में 10 पंखे बांटे गए। कल लाइन भवन में समापन समारोह के साथ स्थापना सप्ताह का समापन किया जाएगा। आज महावीर इंटरनेशनल के स्थापना सप्ताह के अंतर्गत पुलिस लाइन के अंदर महावीर इंटरनेशनल 10 पंखे वितरित कर रहे हैं। हमने पूरे 15 दिन तक स्थापना सप्ताह के अंतर्गत 15 दिन तक पूरे कार्यक्रम किए, जिसके अंतर्गत बेबी किट वितरण, सैनिटरी पैड वितरण और बच्चों को कॉपी वितरण, बैग वितरण और वृक्षारोपण का हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग करीब 2000 पौधे लगाएंगे इस बार और आज हम लोग यहाँ पंखे वितरण कर रहे हैं। इस तरह से कल हमारा समापन समारोह लॉयंस भवन के अंदर है, तो हमने पूरे सप्ताह अच्छे से मनाया। हमारा काम है सेवा करना। तो मैं इंदु जैन, चेयरपर्सन महावीर इंटरनेशनल। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। संघ की 16वीं कार्यकारिणी की घोषणा के उपलक्ष्य में हुआ रक्तदान का आयोजन। 21 यूनिट किया रक्तदान। आज राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संघ के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि संघ की 16वीं कार्यकारिणी की घोषणा के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है, जिसमें संघ के सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा JLN अस्पताल के ब्लड बैंक में 21 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। गत 28 और 29 जून को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की 16वीं प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्वाचन होकर के गठन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हमने सबसे पहले जो है ये प्रदेश से हमें निर्देश मिले कि सबसे पहले जो है रक्तदान शिविर हमें आयोजित किए जाने हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में आज जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा रखे गए हैं और अजमेर ज़िले में जिला कार्यकारिणी द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ब्लड बैंक में इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने न्यूनतम 21 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा है और इससे अधिक संख्या जाने की हमारे को पूरी उम्मीद है। आपका नाम? विशाल वैष्णव, संभागीय मंत्री, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, अजमेर। बारिश की वजह से पुरानी RPSC के कमरे की गिरी छत, कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। अजमेर में मानसून की पहली बारिश अजमेर के कई लोगों के लिए आफत बनकर आई। कई दीवारें गिरी, कई दुकानों में पानी घुस गया तो किसी के पशु दीवार के नीचे दबने से मर गए। और इसी बारिश की वजह से कलेक्टर परिसर में स्थित पुरानी RPSC की बिल्डिंग के एक कमरे की छत गिर गई। 2 दिन पूर्व भी छत का कुछ हिस्सा नीचे गिरा था, जिसके बाद कुछ अधिवक्ताओं द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले से अवगत करवाया गया था, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और आज एक बार फिर एक बड़ा छत का हिस्सा नीचे गिरा है। गनीमत रही आज भी कोई जनहानि नहीं हुई। कमरे में कई सारे मीटर लगे हैं, जिनमें से आए दिन चिंगारी होती रहती है और करंट लगने का डर बना रहता है, लेकिन अजमेर का सबसे प्रशासन तभी जगता है जब कोई बड़ी घटना घट जाए। हमने पहले यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि पुरानी RPSC बिल्डिंग के अंदर जिस परिसर में मैं बैठता हूँ उस जगह की छत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, जिसको हमने रिपेयर कराने के लिए कई बार हमने ज्ञापन दिया है, हमारे बार एसोसिएशन के जरिए हमने सूचनाएँ भिजवाई है, लेकिन इसकी कोई रिपेयर वगैरह नहीं की गई। और परसों हमारे जब मैं बैठा हुआ था उस समय अचानक ये छत का एक थोड़ा सा टुकड़ा गिरा था नीचे, और नीचे गिरने के बाद में फिर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल सुबह की बात है, मैं ट्यूबवेल खोल रहा था, अचानक छत का काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्सा नीचे गिरा
और उसके बाद में फिर हमने यहाँ से सूचनाएं वगैरह हमारे बार एसोसिएशन को भी दी थी और बार एसोसिएशन के सदस्य भी आए थे, वो देख करके गए हैं और उन्होंने ये बताया, बोला कि भाई हम है ना कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने जो लेटर वगैरह दिया उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और परिस्थिति ये थी कि शाम को फिर एक छोटा सा हिस्सा आगे की साइड में गिरा और इस तरह से ये सारा का सारा ख़राब हो गया है। पास में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, मीटरों में भी कभी करंट आने की संभावना है, क्योंकि बीच में जो तार लगे हुए हैं उन तारों में कटिंग है और जॉइंट लगे हुए हैं और वहाँ से कई बार चिंगारियाँ निकलती है, जिसके लिए भी शिकायत करी थी कि यहाँ से मीटरों को हटवाया जाए, लेकिन आज तक मीटर नहीं हटाए गए हैं। और परिस्थितियाँ ये है कि चूँकि पूरी बिल्डिंग के अंदर सीलन आ रखी है, करंट कभी भी आ सकता है, किसी को भी कोई जनहानि हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कोई अप्रिय बड़ा हादसा कारित होगा तभी शायद प्रशासन जागेगा। स्वामी टेमराव महाराज की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली विशाल शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग हुए शामिल। प्रेम प्रकाश आश्रम द्वारा स्वामी टेगोराम महाराज की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश विदेश समेत अजमेर के सिंधी समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें कई भगवानों की आकर्षक झांकियां भी थी। सिंधी समाज के लोग नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर अजमेर की ओर से सदगुरु स्वामी टेगोराम जी महाराज के 133वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वैशाली नगर स्थित आश्रम से आज एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा प्रेम प्रकाश मंडल के मंडलेश्वर स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज व आश्रम के महंत स्वामी धर्मानंद जी शास्त्री के सानिध्य में निकाली गई। शोभा यात्रा में देश विदेश से आए हुए संत महात्मागण एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति नाचते गाते और अनेक मनमोहक झांकियों के साथ में बैंड बाजों के साथ ही शोभा यात्रा निकली, और जिसका वैशाली नगर से आश्रम से अभियंता नगर, अरावली विहार और श्रीराम विहार कॉलोनी, गांधी गृह, जनता कॉलोनी, केशव नगर और वैशाली नगर का क्षेत्र होते हुए आश्रम पर शोभा यात्रा की समाप्ति हुई। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने तोरण द्वार बनाए और फल, मिठाई, प्रसाद आदि, आइसक्रीम, इस प्रकार की चीज़ों का वितरण किया। खूब पुष्प वर्षा की, स्वामी जी का माल्यार्पण कर जगह जगह स्वागत किया गया। अलवरगेट थाना के कांस्टेबल मनीष को कूलर से आया करंट, जेल अस्पताल में करवाया भर्ती। अलवरगेट थाने के कांस्टेबल मनीष को आज सुबह के दौरान कूलर बंद करने के वक्त एकदम से करंट आ गया, जिसकी वजह से मनीष मौके पर बेहोश हो गया, जिसको बाकी कर्मियों द्वारा जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे। सुबह मनीष की हालत नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल मनीष खतरे से बाहर है। ये मनीष कांस्टेबल है अलवरगेट थाने का, 2006 बैच का और भरतपुर का निवासी है। सुबह करीब 7:45 बजे की बात है, जब ये वहाँ सो रहा था तो कूलर बंद करने गया, तब अचानक से कूलर में कहीं से करंट आ गई होगी, जो इसको शरीर में अफेक्ट हो गई करंट से, तो इसे काफ़ी इसको प्रभाव पड़ा। ये तो गनीमत है कि सिग्मा वाले थे जो वहाँ पर राउंड में थे और तुरंत उस चीज़ को नोटिस किया। मैं इसकी सराहना देना चाहूँगा उस सिग्मा वाले की, उसने तुरंत इसको अस्पताल पहुँचाया। पहले तबीयत नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन हम लोग सारे उच्च अधिकारी अस्पताल गए थे, विजिट किया, देखा, तो अभी फ़िलहाल मामला ठीक है। थोड़ी बहुत तबीयत को स्टेबलाइज होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन खतरे से बाहर है मनीष। कहाँ पर तैनात? ये अलवरगेट थाने पर तैनात है। जमकर हुई बारिश में शहर में हुआ पानी, स्टेशन सहित शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, छावनी पुल में फंसी कार। शहर में बीती रात को जमकर हुई बारिश शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक अपना रंग दिखाती रही। लगातार हुई बारिश से ब्यावर का रेलवे स्टेशन के अंदर व बाहर पानी भर गया। यही नहीं, छावनी पुल के नीचे भी पानी भर जाने से कई वाहन पानी में फंस गए, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को आर पार निकलना दुश्वार हो गया। इस पहली बारिश ने नगर परिषद प्रशासन की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। तेज वर्षा से बिछड़ेली तालाब की चादर चल रही है। नालों की सुचारू सफाई नहीं करने व निकासी के अभाव में कई मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शहर के फतेहपुरी दोयम, नवाब गली, सुभाष उद्यान, विजयनगर रोड, मुक्तिधाम में पानी भर जाने से ताल तलिया की तरह नजर आए। अच्छी बारिश होने से कई किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। नरबत खेड़ा के किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक बरसी बरसात ने खेतों को तर बतर कर दिया, जिससे पशुओं के लिए चारा मिलेगा व खरीफ बुवाई अच्छी तरीके से होगी।
मौसम विभाग के अनुसार करीब 3.5 इंच बारिश होना बताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर आयुष्मान शर्मा ने निजी व सरकारी स्कूलों की छुट्टी रखने के आदेश जारी किए, लेकिन कलेक्टर के आदेश की परवाह किए बगैर कई स्कूलों में छात्र छात्राओं को देखा गया। टूटी सड़क को लेकर किया प्रदर्शन, निर्माण कार्य की योजना पास होने के बावजूद नहीं हुआ कोई कार्य। फाइसक रोड जगदम्बा कॉलोनी के लोगों ने आज कॉलोनी में टूटी पड़ी सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। कल हुई बारिश की वजह से टूटी सड़कों पर कीचड़ हो चुका है। प्रशासन पार्षद विधायक सभी को शिकायत करने के बावजूद किसी ने कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 2018 में सड़क निर्माण कार्य के लिए 30 लाख का बिल भी पास हो गया था, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में है। फाइसक रोड पर जगदम्बा कॉलोनी है, 20 साल पुरानी कॉलोनी है और सिटी के सबसे नज़दीक कॉलोनी यही है। यहाँ पर फाइव स्टार होटलें बनी रोड पर, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन चुकी है, लेकिन इस कॉलोनी का कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, इतने रह रहे हैं, पानी भर रहा है और मेन रोड फाइव स्टार रोड पर तो लोग CRPF के IS लोग भी निकलते हैं यहाँ से, लेकिन उसमें देखा आप लोगों ने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कैसे निकल पा रहा है अभी, गाड़ी भी निकलना मुश्किल हो रही है। और यहाँ की लेडीज़ ने वगैरह तो कीचड़ इतना दलदल हो गया बारिश में, तो और जंगल टाइप हो रहा था पूरा, ये जो रोड है पूरा टूट फूट के इतना गंदा हो चुका है। प्रशासन को कितनी बार अवगत करा दिया, MLA साहब को करा दिया हमने, राज्य गवर्नमेंट को करवा दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं, लेकिन प्रशासन आंख मीच के बैठा हुआ। 30 लाख रुपए इसका 2018 के अंदर इसका पास भी हो गया, ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया उसको। 30 लाख अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई पता नहीं, बोला खजाना खाली है। अब करें क्या, किसके पास जावे, हमारा कोई धनी दूरी नहीं है। कोई शिकायत करी आप? शिकायत MLA साहब को कर दी, राज्य गवर्नमेंट को दे दी, कलेक्टर साहब को दे दी हम लोगों ने, उसके बाद भी कोई प्रशासन नहीं। ग्राम पंचायत बोलती है हम लोग यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। फिर पता पड़ा हमारे को आज अखबार में और हमें सूचना मिलेगी, ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही रहने दिया है, हमारी जो फैसक रोड की फेराफेरी गांव को नहीं लिया गया और निगम के वार्ड बन चुके हैं, फिर हम लोगों को 5 साल तक फिर हमें ग्राम पंचायत झेलनी है, जहाँ पर 1 रुपये का भी कभी आज तक काम नहीं हुआ। जगदम्बा कॉलोनी फैसक रोड अगर इंजीनियर के सामने है और फैसक रोड पर जगदम्बा कॉलोनी। आपका नाम? शक्ति सिंह कछावा जी। आंटी, किसको लेकर आज प्रदर्शन किया और कहाँ किया? ये हमने यहाँ जगदम्बा कॉलोनी गली नंबर 2 गणेश मंदिर फैसागर रोड के यहाँ पर हमने किया है। हमारे को यहाँ पर सड़क के लिए बहुत परेशानियाँ हैं, हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग लेडियाँ हैं, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम 5 साल से यहाँ पर रहते हैं, हम कितनी बार देवनानी जी के पास जा चुके हैं, हर बार वोटिंग में बोला जाता है कि वोट हो जाए फिर हम आपके रास्ते सही करवाएंगे, बट वो कभी भी रास्ते सही नहीं होते हैं। वोटिंग के बाद हम वहाँ पर जाते हैं देवनानी जी के पास, तो वो बोलते हैं आज नहीं कल आपके रास्ते सही हो जाएंगे, हमारे को विश्वास दिला के घर पे भेज देते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं देते हैं। अभी बारिशों के टाइम में हमारे को घर से निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम 2 सीढ़ियाँ कैसे उतर के हम नीचे पांव रखे ज़मीन पर, दूसरों की सीढ़ियों से होके हमारे को अपना रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, तो इसीलिए आप हमारे यहाँ सुधा। और पहली बात तो बारिशों में इतने जानवर आ जाते हैं, अभी सांप बिच्छू कभी क्या ऐसे हो जाते हैं, जैसे कल ही मेरी मम्मी अभी 8 ही दिन हुए हैं उन्होंने आँख का ऑपरेशन करवाया चेकअप के लिए। हाँ, के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? बस मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे रास्ते सुधार हो, हमारे को हमारी ये जो परेशानी है, नालियों का पानी घरों के बाहर ही पड़ा रहता है, इतने मच्छर आते हैं, इतनी बीमारियां फैली जाती है, तो इसलिए हमारा हाथ जोड़ के मीडिया से निवेदन है कि हमारे यहां पर ये रास्ते सही करवाएं। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमारी। रिश्तेदार द्वारा किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार, तबीजी गांव की है घटना। बीते 2 दिन पहले निकटवर्ती तबीजी गांव में रिश्तेदार की ओर से किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। पीड़िता की शिकायत पर मांगलेवास थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 3 जनों को हिरासत में लिया है। आज उन्हें मेडिकल के लिए JL अस्पताल लाया गया है। पुलिस अधीक्षक को राष्ट्रदीप ने बताया कि मांगलेवास थाना अंतर्गत तबीजी गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने पर थाना अधिकारी अयुब खान को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए श्रीनगर निवासी मुख्य आरोपी श्रीनगर हाथीपट्टा निवासी सोनू मेघवंशी कैलाश रावत ज्ञान सिंह को हिरासत में ले लिया, जिन्हें आज अजमेर के JLN अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया है। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि स्थानीय युवक सहयोगी की भूमिका में है। पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के साथियों के खिलाफ पुलिस ने STSC एक्ट में भी अलग से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, मंगलियावास में जो परसों घटना हुई थी जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना घटित हुई थी, पुलिस ने उसी समय मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में ले लिया था। उनसे इंटेरोगेशन और पूछताछ के बाद में ये कन्फर्म हो चुका है कि जो नामजद आरोपी थे उन्होंने घटना कारित की है
और उसके क्रम में ही कल उनको गिरफ्तार कर लिया। टाटा पावर से नहीं संभल रहा शहर की बिजली का काम, इस मौसम की पहली बारिश में खुल गई पोल, तकरीबन 20 बार पंचशील नगर क्षेत्र में बत्ती बंद, दिन भर से 7 से 12 जगह बार बार कंबों से आती रही शॉर्ट सर्किट के साथ हल्के धमाकों की आवाज। हर हफ्ते जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आयोजित करने वाली अजमेर की टाटा पावर की पोल मानसून की पहली बारिश में खुलती दिख रही है। मामला पंचशील क्षेत्र का, जहां पर दिन में करीब 20 बार बत्ती गुल हो चुकी है और कई ट्रांसफार्मर और कई बिजली के पोल से 12 से 15 बार शॉर्ट सर्किट की आवाज आ रही है। शॉर्ट सर्किट होने के साथ ही आधे से एक घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है। जब उपभोक्ता शिकायत करने के लिए टाटा पावर अजमेर के टोल फ्री नंबर 1800180631 पर कॉल करते हैं तो वहां से कोई भी कॉल का जवाब नहीं देता। टाटा पावर द्वारा घरों में कुछ महीनों पहले भेजे गए बिजली के बिलों में यह देखा गया कि कहीं बिजली के बिलों में जितनी खपत उपभोक्ताओं ने नहीं की उससे ज़्यादा का बिल उपभोक्ताओं को भेजा गया। इस बात को लेकर जब अजमेर के लोगों ने हंगामा खड़ा करा तो उसके दूसरे तीसरे दिन टाटा पावर के हेड ऑफिस द्वारा अजमेर के लिए टोल फ्री नंबर अखबारों में प्रेषित किया गया था, लेकिन अब इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी कॉल को अटेंड नहीं कर रहा है। अजमेर में भिक्षावृत्ति से बच्चों को दूर करने के लिए दरगाह इलाके में पोस्टर विमोचन, इस मौके पर IG संजीव नर्सरी भी हुए उपस्थित। अजमेर में भिक्षावृत्ति कर रहे नशे की लत में लगे बच्चों को इसे दूर करने के लिए दरगाह इलाके में पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर IG संजीव नर्सरी और जिला पुलिस कप्तान को राष्ट्रदीप सहित दरगाह अंजुमन के खादिम सहित दरगाह बाजार व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। पोस्टर का विमोचन कर IG संजीव नर्सरी ने कहा कि दरगाह इलाके के कई बच्चे नशे की लत से जूझ रहे हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक रहने की भी जरूरत है क्योंकि नशा जिंदगी को बर्बाद कर देता है। दरगाह थाना पुलिस की ओर से शुरू किए गए इस मुहिम में कई लोगों ने शिरकत की। भिक्षावृत्ति और नशाखोरी से बच्चों को आजाद कराने का संकल्प लिया गया। थाने में आए थे और CO सर्कल में भी आए थे, बेसिकली इंस्पेक्शन के हिसाब से आए थे, लेकिन इंस्पेक्शन खत्म करने के बाद यहाँ पे जो भिक्षावृत्ति होते हैं जिसके बारे में एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया है, इसमें जो भिक्षावृत्ति के बारे में लोगों से अपील किया गया कि आप इनको मदद करें, खाने पीने का सामान दें, लेकिन पैसा वगैरह से थोड़ा सा दूर रहे, इस टाइप का एक पोस्टर दिया है ताकि इनको हम इनके जो आबादी है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया सकता, ये हमारे मंशा था। में हमारे SP साहब थे। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किया सांकेतिक प्रदर्शन, 20 दिन से चिकित्सा मंत्री को भेज रहे हैं ज्ञापन। आज जेल मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इन छात्रों का कहना है कि 20 दिन से ये चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इनकी मांग है कि पिछले साल से ज्यादा बेतहाशा फीस वृद्धि की गई है, उसको कम किया जाए। दूसरी मांग है कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कार्य किया जाए। तीसरी मांग है NRI कोटे की सीट हटाई जाए और चौथी इंटेन स्टाइपेंड की। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन को चिताया गया। पिछले 20 दिनों से हम लोग लगातार चिकित्सा मंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और उनसे मिलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी हमें सफलता हासिल नहीं हुई है। हम इसलिए आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो राजस्थान के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकाल के लिए। और हमारी इसमें 4 मांगे हैं जो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट माने एकदम उसको लेके चलेंगे। पहली है फीस वृद्धि हुई है, लास्ट ईयर से बेहताशा फीस वृद्धि हुई है, उसको वापस लिया जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे की जो सीटें हैं उनको हटाया जाए। तीसरी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग कैसे रह रहे हैं हमें ही पता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की कोशिश की जाए। और चौथा है इंटर्न स्टाइपेंड। इंटर्न किस मुश्किलों में काम करता है जूनियर डॉक्टर, वो सरकार कभी नहीं समझती है और इंटर्न स्टाइपेंड बहुत कम है। तो ये 4 मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, NRI सीट बंद करो। डॉक्टर नितेश भास्कर।